रीवा लोकसभा से सांसद जनार्दन मिश्रा अपने बयानों से हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। शनिवार को फिर उनका एक बयान सुर्खियों में आया, जिसमें उन्होंने भरे मंच से कहा कि अगर आज मैं सांसद ना होता तो कहीं चाकू चला रहा होता। दरअसल रीवा में संचालित मॉडल स्कूल की स्थापना का 50वां वर्ष था, जिस पर स्वर्ण जयंती समारोह मनाया जा रहा था। समारोह में पूर्व छात्रों के साथ ही डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, जो यहाँ के पूर्व छात्र हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर उपस्थित थे। साथ ही तीसरी बार के सांसद जनार्दन मिश्रा भी कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए शिक्षकों का महत्व बताते हुए अपने छात्र जीवन को याद कर लोगों से कहा कि छात्र जीवन में वो बिगड़ गए थे, बीड़ी पीने की आदत हो गई थी, अक्सर ही मारपीट करते थे, लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल सिद्दीकी और शिक्षक रामानुज द्विवेदी के कारण वो सुधर गए। उन्होंने बताया कि स्कूल में बीड़ी पिए जाने पर शिक्षक ने पकड़ लिया, तब 7 दिन के लिए रेस्टिकेट कर घर में बीड़ी पीने की शिकायत कर दी थी। उन्होंने कहा कि मैं आज जो भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ, नहीं तो कहीं चाकू चला रहा होता। विद्यार्थी या हम कौन पाले कि हम अपने माथे बहन, हम अगर हैं हम बिगड़ गए थे। अगर हम आज यहाँ सांसद के रूप में हैं तो मैं हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल सिद्दीकी साहब और माध्य 8वां तक के मास्टर रामानुज द्विवेदी जी के कारण आज हम यहाँ बैठे हैं, नहीं तो हम कहूँ चाकू चलावत बागी तमाम हम यह में के। तो रामन द्विवेदी जी बीड़ी के सूंघ के बीड़ी पिए हो क्या? तो एक लड़के से झगड़ा हो गया था, तो वो उलट के कहे सिगरेट ही सिगरेट एक डब्बा में, तो वो कहीं 7 दिन ना आया, फिर गए घरे कहीं ये तो हाँ लड़का बीड़ी पिया ला एक सुधारा। सिद्दीकी साहब एक मारपीट दिए थे, तो सिद्दीकी साहब हमका 7-5 दिन तक लगातार अपने कमरा में खड़े कर आखिर ऑफिस में कहें जौन पीरियड हो तो उनकी रात खड़े कर पड़ा मारी नहीं रिश्ते बाकी 5 लड़कियों का रिस्टिगेट कह दी कि तुमको रिस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम हमारे ऑफिस में खड़े रहोगे और जो विषय होगी उसको तुम पढ़ो।